अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के, जिस तरह कमेंट्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में एक टाकरा चल रहा है, और अच्छी चीज़ है यार, ये होनी चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें करें कमेंट्स जो हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड ही रखा करें, आप इधर उधर की बातें ना करा करें। बाकी बहुत अच्छा लगा यार, आप लोग जिस तरह फीडबैक देते हैं। मैं ख़ासतौर पर मनोज का जिक्र करूँगा। मैंने आज से ना मनोज का नाम बाबा रख दिया है, ये हर वक्त ना मुझे आके चोंच की तरह छेड़ रहा होता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं जो कंटिन्यू हमारी हर वीडियो पे अपना फीडबैक देते हैं, और अच्छी चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये वाली वीडियो है, इस पे भी आप लोगों के वैसे ही कमेंट्स आएंगे जैसे आप लोग पहले दे रहे। तो इस छोटी सी वीडियो पे हम आज बहुत टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारतीय मीडिया तो वही बातें करे जा रहा है। आज मेरी कुछ भारतीय सहाफ़ियों से भी कुछ बात हुई थी मेरी, और उसके हवाले से भी आपको इनसाइट बताऊंगा। फिर साथ साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड डे, और रोहित शर्मा की कप्तानी पे तनकीद हो रही है, विराट कोहली पे तनकीद हो रही है, और बनती भी है तनकीद। एक इनिंग दो इनिंग में आप फ्लॉप हो गए, और इस तरीके से फ्लॉप हो गए तो तनकीद तो बनती है। फिर मुझे लग रहा है ये जो हेड हैं ये बनाई भारत के ख़िलाफ़ है। ये जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल लगा लो या वर्ल्ड कप का फाइनल लगा लो, ये शख्स शायद भारत के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया हुआ है। ओवरऑल इनकी इनिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में अब मैच आ चुका है और इंडिया के हाथ से निकल गया है। इस वक्त जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं वो काफ़ी हैरान कन हैं, और ऑस्ट्रेलियन जो कमेंटेटर हैं वो काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं, और पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि बिल्ली थैले में चली गई और इस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो यार अभी आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, आप दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, लेकिन क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। और फिर बात करेंगे, शाहिद आफरीदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बारे में बात करेंगे। मोहसिन नकवी ने बात करी है, इसके हवाले से बात करेंगे। सरफराज ने एक हिंट दिया है अपने रिटायरमेंट का, जैसे मैंने अपने दो तीन वीडियो पहले ही ये इशारा दे दिया कि सरफराज की तरफ से जल्द एक ऐलान होने वाला है। कल सरफराज ने भी इस चीज़ को खुल के बोल दिया है। साथ साथ बात करेंगे फ़ख्र ज़मान, वो तो जो मैं दिल चाह रहा था मैं आपके भाई को ना वो फ़ख्र ज़मान का कैश व्हाट्सअप कर दूँ, कि वो जो फिटनेस 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 कह रहे थे, तो उस फ़ख्र ज़मान ने अपनी बैटिंग से तो जवाब दिया ही नहीं, फील्डिंग से जवाब दे दिया। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इजलास कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है, और वो मीम्स बन रही हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वहाँ से वही है, भारतीय मीडिया कह रहा है कि अच्छा, जो मेरी उधर बात हुई है ना उन लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, सबने एक जैसी बात करी है कि भारत यहाँ तक मान गया कि लीग का कोई मैच होगा ना तो हम श्रीलंका में या कहीं खेल लेंगे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेलेंगे। और वो इस वाले इशू के ऊपर ना ब्रॉडकास्टरों को आगे रख रहा है कि भाई हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो भाई अगर आप कह रहे हो तो हम यहाँ तक मानने के लिए तैयार हैं। ये भारतीय मीडिया के जो अच्छी बात नहीं, मैं उधर इधर किसी का इस प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम लूँ, लेकिन सीनियर सहाफ़ी हैं भारत के, ठीक है, उन्होंने ये बात कोट करी है। और उनका ये है कि जल्द जल्द जो है वो ICC के सारे मामला तय हो जाएंगे, शेड्यूल आ जाएगा आप लोगों के सामने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उधर के जो उधर का जो मीडिया है वो हमारे हवाले दे रहा है, यानी हमारे क्लब्स उठा के वहाँ पे चला रहा है कि डील डन हो गई है, और वेबसाइटों के स्क्रीनशॉट भेज रहा है, ये भेज रहा है, भेज रहा है। फिलहाल आज मोहसिन नकवी साहब ने आज टॉक करी है, मोहसिन नकवी ने साहब ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत जारी है, और अभी जिन जो बातें हो रही वो हम अभी शेयर नहीं कर सकते, और ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। सहाफ़ियों ने बहुत पूछना चाहा मोहसिन नकवी साहब से, इशारे में कुछ पूछना चाहा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ऊपर ऊपर से इशारे में बता दिया भाई जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में होगा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा, क्रिकेट फैंस मायूस नहीं होंगे। और जो मोहसिन नकवी की ये टॉक जो है, इसको भी भारतीय मीडिया जो है वो बहुत घुमा फिरा के ले रहा है कि देखें मोहसिन नकवी साहब की ये झलक पलक ये हो गई है, ये हो गई, हो गई। अच्छा, फिर मोहसिन नकवी का साथ साथ ये भी कहना था कि बातचीत चल रही है, सुना ये भी है कि जय शासन की एक वन टू वन मीटिंग भी हुई है, और वो बिल्कुल उसके हवाले से वो अभी कोई बात नहीं करे। उन्होंने बोला चैम्पियंस ट्रॉफी के मुताबिक बहुत बेहतर फैसले होंगे, ठीक है, वो अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला ICC को करना है, वही ऐलान करेगा,
यानी जय शाह ऐलानी करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो भी ब्रेकिंग होगी वो जय शाह की तरफ से ही होगी, जैसे जय शाह साहब ने आके एशिया कप का भी अनाउंसमेंट किया था जब तो वो BCCI के थे। लेकिन अब वो जो भी अनाउंसमेंट होगी वो जय शाह की तरफ से होगी। तो ये जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है वो यहाँ तक तो एक तौर पर गलत ही हो गया। अच्छा, फिर शाहिद आफरीदी ने एक आज अभी अलग टॉक करी है, कुछ थोड़ी देर से पहले भी करी थी एक चैनल में बैठ के। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी टीम को मशवरा दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया कि भाई अगर भारत यहाँ नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर भारतीय टीम यहाँ के नहीं खेलती तो पाकिस्तान भी ना जा कर खेले। तो शायद भाई आपको जो सबसे ज़्यादा प्यार इंडिया में ही मिला था, तो इंडिया में भी फैंस हैं जो वहाँ पे देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर को देखना चाहते हैं, बाबर को, शाहिद को देखना चाहते हैं। तो ये बात ना करें, क्योंकि मेरे शो में आगे जनरल तौकीर जिया साहब जो है, साबिक चेयरमैन PCB, फिर खालिद महमूद साहब जो हैं, फिर आरिफ अब्बासी, तीनों ने तीन का मौके दिया था कि अगर वो आते भी नहीं है तो पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए, और इंडिया भी ये कह रहा है, इंडिया के फैंस भी ये कह रहे हैं। तो देखते हैं किस ऊँट किस करवट बैठेगा। तो इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दिएगा। आप एक मैं तो मैसेज चाह रहा था कि भारतीय मीडिया के हवाले से आप काफ़ी कह रहे होते हैं उनके ऊपर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रंट पे आके मोहसिन नकवी एक ही चीज़ बता रहे हैं, तो वो BCCI क्यों नहीं बता रहा? BCCI गवर्नमेंट पर डाल रहा है, गवर्नमेंट BCCI पर डाल रही है, उधर भी काफ़ी अब तनकीद हो रही है, उधर भी लोग काफ़ी कह रहे हैं, और ब्रॉडकास्टर को तो अपने पढ़ा हुआ है कि भाई 2031 तक क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो मामला है, ये मेरे जो ज़राए कह रहे हैं, ये आपको इस जो वीक आ रहा है इसमें आपको ये फाइनल हो जाएगा। और फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। ज़रूर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ज़रूर फीडबैक दिएगा। जाते जाते कुछ बात कर लें इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट के हवाले से। जब आप दो कैच छोड़ोगे और चांस दोगे हेड का, तो फिर तो यही होगा ना। अश्विन की बॉल पे जिस तरह सिराज ने जो कैच छोड़ा, लेकिन हार्ड भी था कैच। आप देखो, अब आप बिना वजह सिराज पे जो है ना वो मलबा नहीं डालोगे। और फिर मुझे ये लग रहा है, ये लग रहा है कि यार ये जो टेस्ट मैच है ना, इसमें जो हेडलाइन जो आई हुई है वो सिराज के नाम से आई है। जिस तरह सिराज के झगड़ा हो रहा है, सिराज की बॉलिंग स्पीड के हवाले से भी खबरें आई, सिराज की अपनी परफॉर्मेंस तो चली है, फिर जो उनका गुस्सा आ रहा है, फिर पंत ने भी कैच छोड़ दिया था वो जो रोहित और इनके दरमियान जो हुआ था। तो 140 रन्स की क्लासिक इनिंग खेली, और वाकई में इस इनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। और क्योंकि इंडिया के जो सेकेंड इनिंग हुई इसमें रोहित और विराट एक मिनट फिर फ्लॉप हो गए। अच्छा, हेड की हम अभी बात कर रहे थे, तो हेड के जो स्टैट्स हैं, 800 है इनका, और भारत के खिलाफ इनका ये दूसरा 100 है। और आपको याद होगा जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपके सामने, वर्ल्ड कप का फाइनल है, उसमें भी 100 था, 6 इनिंग में इनका 500 रन हो चुके हैं, ये बड़ी बात है। और लग ही रहा है कि जो है ये इंडिया के लिए बना हुआ ये खिलाड़ी, किसी के खिलाफ चले ना चले वैसे तो चलते हैं सब खिलाफ। और अगर 2023 से इनकी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही थी मैच के दौरान, तो इंडिया के खिलाफ इन्होंने 1052 रन कुछ ऐसे करें। साथ साथ जो दूसरी टीम है, देखें ओवरऑल जो इनकी टीम है, तो उसमें कुछ 1800 कुछ इनके रन है। तो यहाँ भी लग रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ ही उनके परफॉर्मेंस है। और लेकिन जिस तरह सिराज ने उसको आउट करा, मज़ा आया और मैच देखने का। साथ साथ बुमराह वो वाली क्लास नज़र नहीं आई बुमराह की। और फिर कुछ कमेंटेटर कह भी रहे थे कि बुमराह के जो ओवर हैं वो कंटिन्यू नहीं करवाए गए, उनको इस स्पेल के बाद हटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और कुछ मुझे भी सिर लगे, कुछ कहते हैं इंजर्ड हो गए क्या हो गए, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। फिलहाल दोनों ने 4-4 आउट करा। हाँ, मुझे एक चीज़ लगी कि तीसरा बॉलर भारत की तरफ से ना वो शायद मिसिंग था, और अगर मोहम्मद शामी होते तो इस वक्त कुछ भारतीय टीम का जो है वो सुनिए कुछ और होता, क्योंकि शामी की इस वक्त ज़रूरत है भारतीय टीम को। और ये भी उस शामी होते तो सिराज टीम में नहीं होते, लेकिन अगर ये तीनों होते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे बहुत परेशानी करते। फिलहाल भाई इंडिया सेकंड इनिंग में 128/5, 24 ओवर में 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इनके।
टॉप ऑर्डर एक बार फिर फेल हो चुका है। और इंडियन मीडिया को अफसोस है भाई कि इंडियन मीडिया बड़ा अफसोस में है कि लेट हार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सेकंड डे में ही इंडिया की हार नज़र आ रही है, कह सकते हैं आप इसको। लेकिन फिर कोई क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, बुमराह है भाई, बुमराह कुछ भी कर सकता है। और फिर जो लास्ट टेस्ट था इन दोनों के दरमियान यहाँ पे वो 36 का था, तो वो भी कमेंटेटर बार बार वो वाली बातें निकाले जा रहे हैं कि इंडिया को हमने यहाँ 36 रन पे आउट कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो ये इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ना वो बिल्कुल एक शरारत पे उतरा हुआ है। फिलहाल बात कर लेते हैं जो हमारी फर्स्ट इनिंग में जसवाल फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट बॉल पर जिस तरह आउट हुआ था जसवाल, सेकेंड इनिंग में भी कुछ नहीं कर पाया, 24 रन बना पाए और बहुत स्लो रन कर रहे हैं। और उनका वो बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है। फिर के राहुल की बात करें, वो भी 7 रन बना पाए, के राहुल में हाँ के राहुल। विराट कोहली भी 7 रन बना पाए और फर्स्ट इनिंग में जो है वो 7 रन बनाए थे, फिर 11 रन बनाए, टोटल 18 रन बनाए विराट कोहली पे। तो बात हो रही है भाई किस बात के किंग हो, और सपने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली है, कुछ कह रहे हैं आपका लंदन में दिया है, कुछ कह रहे हैं आपका कहाँ है, और कुछ कह रहे हैं बस 100 हो गया, बस अब विराट कोहली को अब कोई नहीं हिला सकता और ये नहीं हो सकता। और नुकसान हुआ है, मेरी आप माने अगर मेरी राय है तो ये कि विराट के वहाँ आउट होने से बहुत नुकसान हुआ, वो भारतीय टीम पे बहुत प्रेशर हुआ है विराट के आउट होने से। और गौतम के भी चेहरे से साफ लग रहा था कि यार ये विराट का आउट होना गलत हो गया। और मुझे, मैं उस दिन ज़ारा के साथ ही बैठ के बात कर रहा था कि जो माइकल क्लार्क ने उस दिन बयान दिया था ना, वो उसकी शरारत थी। आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया किस तरह अपना गेम चला रहा है इस वक्त। तो यानी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाह रहा कि किसी भी तरह के इंडिया यहाँ से जीत के जाए। और पहले टेस्ट के बाद जिस तरह पर तनकीद हुई है तो बताए, फिलहाल पढ़ते इसमें 100 बनाया था विराट ने और फिर वो जिस तरह आउट हो गया। और फिर संजय मांजरेकर, अच्छा मैं नहीं देख रहा हूँ कोई बोले तो ना बोले विराट पे, संजय मांजरेकर खुल के बहुत कह रहे, उनका ट्वीट में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई इनकी यहाँ मिसिंग है, वो अपनी कमजोरी से सीख नहीं रहे, वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और फिर जब फिर संजय मांजरेकर पे भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, जो विराट के फैंस हैं वो तो सुनना ही बर्दाश्त नहीं करते। और वो यकीन इस वीडियो में भी कहेंगे कि यार पार्क में विराट का 100 था और कोई खिलाड़ी नहीं दिखा, रोहित नहीं दिखा, ये नहीं दिखा। और नकी भी एक दफ़ा फिर विराट कोहली के पीछे पड़ गया। लेकिन यार विराट कोहली की यहाँ पे जहाँ उसके स्टैट्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी उम्मीदें थी, और वहाँ पे उसका ये परफॉर्मेंस बड़ा मायूसकुन था। और फिर साथ साथ हम बात करें अपना सुमन गिल के हवाले से, अच्छा खासा सेट हो गए थे, 28 रन बनाए उन्होंने भी, और बस उनको भी बस लग रहा था कि पता चल गया कि भाई ड्रेसिंग रूम में कोई बातें चातें चल रही हैं। तो उन्होंने बोला चलो यार ग्राउंड पे तो बहुत टाइम दे दिया, 28 रन बना लिया, अब चलो वहाँ चलते हैं। रोहित शर्मा, यार रोहित शर्मा के हवाले से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है वहाँ पे, और उनकी कप्तानी पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। और विफी भाई वैसे भी पहले ही मेरी वीडियो पे कह चुके हैं कि ये जो साइकिल है ये रोहित शर्मा का आखिरी है, और जो उधर के फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि भाई इसको कप्तान क्यों बना दिया, ये इतनी जल्दी क्यों आ गया। यानी वो लैंग्वेज रोहित शर्मा के हवाले से यूज़ हो रही है भारत में इस वक्त, क्या आपकी सोच है? और यहाँ तक कि जो रोहित शर्मा को भी थोड़ा सा मैं सर्व करूँगा जो कि पहला टेस्ट जो है वो इंडिया तुक्के में जीत गया, यहाँ तक बात हो रही है। और यानी अब ये ना करो यार, क्रेडिट तो दो ना कि उन्होंने बुमराह की जो टीम थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल कर दिया था, आप ये ना कहो कि तुक्के में जीत गया था यार, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि हम रोहित शर्मा पे बात आ जाते हैं, ये 3 रन फिर 6 रन बनाए उन्होंने, लग रहा है उनकी थोड़ा सा वो है, बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ रोहित शर्मा का। और फील्डिंग में भी उन्होंने जो डिसीजन लिए उस पर भी काफ़ी उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी। और आ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का गेम ओवर हो गया है, और बस ओवर एज हो गई है, ओवर गेम हो गया है। अब आप इनको कहो कि भाई आप भी जाके आप कमेंट्री बॉक्स में बैठे हो, ये करें, यानी इस टाइप की बातें हो रही हैं इनके लिए। तो हकीकत तो है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि इनकी बहुत खदमात हैं रोहित और विराट के चक्कर में। अच्छा जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना कि मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि जय शाह के जाने से ना रोहित शर्मा को बहुत नुकसान हुआ है। और
अब रोहित शर्मा के हवाले से दोनों का एक साथ फैसला नहीं करेंगे लोग, पहले रोहित का फैसला होगा फिर विराट का होगा। तो जैसे जो अब फॉर्मर क्रिकेटर अब आके कह रहे कि भाई बुमराह को कप्तान होना चाहिए था, और यहाँ तक कहने के रोहित शर्मा की सेकंड टेस्ट में जगह नहीं बनती थी, तो यानी पानी अब जो है वो ऊपर जा चुका है। अब फिर एक दफ़ा फिर वही बात लेके सामने आ रहे कि देखो रोहित के आने से ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो चुका है, और गंभीर और ये वाले जो मसले मसाइल हैं, फिलहाल गौतम गंभीर पे भी एक बिल पड़ चुका है, और हसीन राणा की प्ले 11 के हवाले से उधर के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बड़े फॉर्मर क्रिकेटर वो बात कर रहे हैं, और वो इसके ताने मैंने जो है वो IPL से जुड़े जा रहे हैं कि यार ये KKR की टीम से खेलता है तो गौतम गंभीर को पसंद है। तो मैं उन मासूमाना बंदों को बोलूँगा यार आप इतना नहीं बोला करो, ठीक है आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख लो, जो अभी साइड मैच में था मेरे ख्याल से 4 आउट उन्होंने करे थे, और फिर उनका जो फर्स्ट टेस्ट था उनको भी उसमें भी उन्होंने 4 आउट करे थे, ठीक है। तो आप एकदम ये ना कहो कि आप किसी पे भी मलबा डाल दो, किसी पे भी ये कर दो, आप परफॉर्मेंस देख लिया करो यार, और बिना वजह के कॉन्ट्रोवर्सी। अच्छा भाई सिराज की जो झगड़ा होता जो उसकी जो वीडियो वायरल हुई है उस पर हमने काफ़ी बात करी, फिर उनके जो तेज तरीन ऑस्ट्रेलिया में भंडी हो रहे हैं वो कभी मशीन और ये मेरे ख्याल से तो जो ऑस्ट्रेलियन है ना वो इस टाइम बिल्कुल प्ली प्लान बना के रहे हैं, उनको ना ग्राउंड में तो चलो वो एक सेंचुरी वेंचुरी मार दी, लेकिन वो चाह रहे कि इंडियन टीम को ना जो पीछे से जो चीज़ें चल रही हैं उससे थोड़ा सा उनका माइंड वॉक करें, जिस तरह उनके फॉर्मर क्रिकेटरों का बयान आ रहा है, जिस तरह ये आ रहा है तो उस पर ही ये रहा है। अच्छा हमने रोहित शर्मा की बात करी, साथ साथ हमारे जो साबिक कप्तान हैं उनकी बात कर लें, सरफराज अहमद की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरफराज अहमद के हवाले से बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट आने वाली है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा क्लियर किया कि जो आपके कान बात सुनने के लिए तरस रहे वो जल्द हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो और ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका के स्कॉट के जो अनाउंस हुआ इसके बाद तो था, लेकिन अभी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमारे एक बंदे ने बताया कि यार सरफराज को एक सीरीज दी जाएगी, ठीक है, और सरफराज ने ही फैसला करना है कि हाँ यार चलो फिर वो लास्ट हो जाएगी, तो हैंड दे दिए। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है, फ़ख्र ज़मान का कैच ने दिल खुश कर दिया, आकिब जावेद साहब को चाहिए वो जाके ज़रूर वो कैच देखें और फिर फैसला करें कि कौन फिट है कौन फिट नहीं है, आपकी टीम में जो सबसे ज़्यादा फिट खिलाड़ी ना उसको भी आप दिखा दो, आप पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर साथ साथ शायद आफरीदी ने भी टॉक करी है, उन्होंने वही बातें कही हैं कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए था, शाहीन को गलत हटाया, बाबर के बाद कोई चॉइस है, ये जो जुमला है ना जो शाहिद आफरीदी का ये बहुत मुझे अजीब सा लगा कि बाबर के बाद बेहतर चॉइस, तो बाबर तो कप्तानी के लिए चॉइस ही नहीं दिया, ये तो मैं शाहिद भाई का ये बयान नहीं मानता कि बाबर एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है यार पाकिस्तान का बहुत अच्छा बैट्समैन है मैं मानता हूँ, लेकिन T20 के हवाले से बाबर आजम की शायद जगह नहीं बनती है, ठीक है, और अब तो ये जो टूर्नामेंट चल रहा है शायद इसके बाद तो और बाबर आजम साहब बाहर हो जाए, T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाबर आजम साहब कप्तान नहीं थे, मेरी शो में आके जो आमिर मलिक साहब हैं फॉर्मर क्रिकेटर उन्होंने तो कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी पे ताहायत पाबंदी लगनी चाहिए, और उन्होंने मिसाल भी दी थी कि सचिन जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भी कप्तानी नहीं की। फिलहाल आज की हमारी वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन टॉपिक बहुत सारे थे, अभी भी बहुत सारी डिस्कशन रखी हुई है, टेस्ट मैच के हवाले से बहुत सारी बातें थी लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरा दिल तो था कि लाइव आऊँ और आप लोगों से बात करूँ लेकिन कुछ वजूहत की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह अपनी दोस्ती जरिया बढ़ाइएगा, और अच्छा लगता है आप मुझे छेड़ें मैं आपको छेड़ता हूँ, तो ये आज हमारी वीडियो थी, यकीनन आपको अच्छी लगी हुई, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जाते जाते मेरी पिटिशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में तो आ चुका है मैच लेकिन कुछ भी हो सकता है, और जो वापसी आ सकता है भारत के हाथ में मैच वो बुमराह ला सकता है, तो बुमराह के हाथ में है कि बुमराह ये टेस्ट जितवा के और रास्ता वर्ल्ड टेस्ट में जो है, तो अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, अपने कमेंट्स देते रहिएगा, दोस्तों के लिए बढ़ाते रहिएगा, खेल को सियासत से दूर रखें, सिर्फ खेल की बात करें, अल्लाह हाफिज़।